राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी के रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कान्हा जी की यूनिक स्टाइल ड्रेस, जिसे हम 3 स्क्वेयर पीसेस की हेल्प से बनाएंगे। मतलब हमें फैब्रिक के लिए जस्ट 3 स्क्वेयर पीसेस कट करने हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने कुछ इस तरह का फैब्रिक लिया है। ये जो हम घेरे के लिए स्क्वेयर पीस कट करेंगे, जितनी हमने घेरे की लेंथ रखनी है कान्हा जी के हिसाब से, उसका डबल स्क्वेयर कट करेंगे। मान लो हमने 2.5 इंच लेंथ रखनी है, तो हमने 5 इंच का स्क्वेयर पीस कट करने हैं। ये 2 स्क्वेयर पीस हमें सेम साइज़ के कट करने हैं, क्योंकि आजकल कम लेंथ की ड्रेसेस जो है ट्रेंड में है, और क्योंकि समर्स भी है इसीलिए, तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं लेनी। अगर आप 2-3 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 5 इंच का स्क्वायर लीजिए। 4-5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 6.5 या 7 इंचेस का लीजिए। इसी तरह आप 1.5 इंचेस का इंक्रीज दे दीजिए। और अगर आप 0 से 1 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप 3.5 इंचेस का स्क्वेयर पीस ले लीजिए। ये 2 स्क्वेयर पीसेस हमने कट कर लिए, ये हमारे घेरे के लिए है। इन दोनों स्क्वेयर पीसेस को हमने कुछ इसी तरह से अरेंज करना है। ये देख लीजिए, जो इसका कॉर्नर है ये इन दोनों कॉर्नर्स के मिड में आएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे वेस्ट का कट देना है। आप वेस्ट का कट राउंड भी दे सकते हो, स्क्वायर भी दे सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। उससे पहले हम स्क्वायर्स की बाउंड्रीज़ पे या तो आप हेमिंग कर लीजिए, या तो फिर कोई भी लेस गोटा अटैच कर दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर बेस्ट है अगर आपके पास कॉटन लेस अवेलेबल है, तो आप दोनों स्क्वायर्स के कॉर्नर्स पे बाउंड्रीज पे कुछ इस तरह से लेस लगा दीजिए। ये देखिए, हमने दोनों स्क्वायर पीसेस पे लेस अटैच कर ली है। अब हमें इस तरह से रखना है इन स्क्वायर पीसेस को और यहाँ पे कट देना है। ये हमने वेस्ट कट कर ली, वेस्ट ज़्यादा कट करनी है एज़ यूज़ुअल, जितनी हम वेस्ट कट करते हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कट नहीं देना। हम जो यहाँ पे स्ट्रिप ऐड करेंगे उसमें हम इलास्टिक ऐड करेंगे, इसीलिए वेस्ट हल्की सी ज़्यादा कट करनी है, जो आपके कान्हा जी को इजीली आ जाए। तो अब हमने एक स्ट्रिप कट की है, जिसकी लेंथ आप इतनी लें कि ये चारों ओर पूरी आ जाए, और विड्थ जो है वो 2 इंचेस की ले लीजिए। अब हम इसे कुछ इस तरह से अटैच करेंगे, देन फोल्ड कर देंगे, और इसमें हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे, कुछ इस तरह से फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने स्ट्रिप को ऐड कर दिया, साथ ही में हमने इलास्टिक भी इंसर्ट कर दिया, तो ये अब इजीली कान्हा जी के वेस्ट में जो है आ जाएगी। आपको इलास्टिक इतना इंसर्ट करना है जो आप हल्का सा खींच के कान्हा जी की कमर को लगा के देख लीजिए, उतना इलास्टिक आपको इंसर्ट करना है। अब बारी आती है चोली की, उसके लिए भी हमने स्क्वायर पीस लिया है। उसका नाप कैसे लेना है, इंची टेप को कान्हा जी की नेक पे रखना है, यहाँ तक जितनी आप लेंथ बनाना चाहते हो। 1 इंचेस है तो 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैंने 1.5 इंच आ गया, तो 1.5 इंचेस का डबल कर लीजिए, तो 3 इंचेस आ जाएगा। उतना आप स्क्वायर ले लीजिए, इस तरह से स्क्वायर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर के बाउंड्रीज़ पे यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे हल्का सा खुला छोड़ देंगे जिससे हम इसको सीधा कर पाएँ। तो ये देखिए, ये हमने सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर फिनिशिंग स्टिच लगाते टाइम हम इसको भी सही से कर देंगे, और यहाँ पे पूरे पे फिनिशिंग स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमें एक डोरी ऐड करनी है, एक यहाँ पे और एक नेक पे, एक वेस्ट पे बंध जाएगी और एक नेक पे बंध जाएगी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की चोली बनके रेडी हुई है। इसको हम नेक पे टाई अप कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम वेस्ट पे टाई अप कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह की लुक आएगी। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक, ये पहनाने के बाद कुछ इस तरह की लग रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें आपको ये ड्रेस कैसी लगे, और अगर पसंद आए तो इसे ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।